हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूँ पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू के बीटेक कोर्स के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आईपीयू में बीटेक के अंदर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से हैं, वहाँ पे सीटें कितनी हैं, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, इस तरह की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। तो आईपीयू में यहाँ पे आपको डुअल डिग्री का जो कोर्स होता है बीटेक प्लस एमटेक का, आप वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको नॉर्मल बीटेक का कोर्स भी देखने को मिलेगा। तो उन सारे कोर्सेज के नाम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। करीब करीब यहाँ पे 20 के आसपास यहाँ पे ब्रांचेज हैं, तो उन सबके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इनके नाम पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, या तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, या आप क्लास 12 पास हो चुके हो साइंस की स्ट्रीम से, और आपने अपने क्लास 12 में इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो, और इसके साथ साथ आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन तीनों सब्जेक्ट का मिला के आपने कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो अगर आपको आईपीयू से बीटेक का कोर्स करना है, तो इसके लिए आईपीयू अपना खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाता, बल्कि इसके लिए आपको देना होगा जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जाम। तो मतलब आपको क्या करना है कि जो जेई मेंस का जब भी फॉर्म आता है, आपको जेई मेंस का फॉर्म फिल करना होगा, फिर जेई मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, फिर जेई मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसका आंसर की और रिजल्ट आएगा। ये सब कुछ जो जेई मेंस वाला पार्ट है, सब कुछ आपको करना होगा। और उसके साथ साथ आपका जब आईपीयू का फॉर्म आता है, तो आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना होगा। और फॉर्म कैसे फिल करना है, इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से देख के आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आईपीयू का फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपको अभी के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको वेट करना होगा काउंसलिंग का। और जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो उस टाइम पे आपको दोबारा से आईपीयू का फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आईपीयू का फॉर्म फिल करना है नहीं करना, तो यहाँ पे आपको आईपीयू का फॉर्म दो बार फिल करना होगा। जेई मेंस का तो अलग से फिल कर ही रहे हो, उसके अलावा आईपीयू का फॉर्म दो बार फिल करोगे। एक बार तो अभी फिल करोगे, जिसके लिए आपको 1200 रुपए की फीस का पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोबारा जब काउंसलिंग शुरू होगी आईपीयू की, तब भी आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना होगा, और उसके लिए आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा। और उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और जैसे आपकी रैंक आई होगी, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, काफी लंबा प्रोसीजर है, तो अगर मैं उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए वो चीज मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो काउंसलिंग कैसे होती है, उस पर एक अलग वीडियो में बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो आईपीयू में करीब 19 कॉलेज हैं जहां पर बीटेक का कोर्स ऑफर किया जाता है। और अगर मैं सीटों की बात करूं, तो हर कॉलेज में अलग अलग सीटें हैं, हर ब्रांच में अलग अलग सीटें हैं। पर अगर मैं आपको सबकी जोड़ के एक टोटल नंबर बताऊं, तो यहाँ पे करीब करीब 7000 के आसपास सीटें हैं। और अगर मैं फीस की बात करूं, तो यार फीस हर कॉलेज की अलग अलग रहती है, पर अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं कि एक साल की फीस कितनी लग सकती है, तो यहाँ पे आईपीयू में एक साल की फीस आपकी करीब 85,000 रुपीज के आसपास से स्टार्ट होती है, और ये 1,20,000 रुपीज के आसपास तक जा सकती है। तो ये आपकी एक साल की फीस रहती है। तो यार ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आईपीयू में कौन कौन से कॉलेज हैं, किस कॉलेज का क्या नाम है, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज की कितनी फीस लगती है, किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ जाती है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है, तो सब कुछ मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, तो वहां पे लिखा हुआ आपको दिखेगा आईपीयू बीटेक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक मिलेगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा, वो तो पूरा आर्टिकल आईपीयू बीटेक पर ही लिखा गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वहां पे काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और उसी आर्टिकल में जब आप नीचे आएंगे, तो वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से कॉलेज हैं, वहां पे सीटें कितनी है, फीस कितनी है, कट ऑफ कितनी जाती है, सब कुछ आप वहां पे देख सकते हैं। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आईपीयू के बीटेक कोर्स के बारे में। आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और फ्यूचर में आपको इस चैनल पे आईपीयू की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।